ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की जनता किसे अपना सीएम बनाएगी, इसका फैसला 11 फरवरी को होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। क्या है दिल्ली चुनाव के मुद्दे और किस पार्टी का क्या है चुनावी दांव, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। फरवरी को वोटिंग, 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे। दिल्ली में किसका होगा सिंहासन, कौन पहनेगा ताज। देश की राजधानी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। आप भी ये तारीखें याद कर लें। नोटिफिकेशन इज इश्यूड ऑन 14 जनवरी 2020 ट्यूजडे। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस इज 21 जनवरी 2020 ट्यूजडे। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस शैल टेक प्लेस ऑन 22 जनवरी वेडनेसडे। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर इज 24 जनवरी फ्राइडे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई। दिल्ली में 1,46,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए सीएम का चुनाव करेंगे। इसके लिए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 13,750 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हमेशा ही दिलचस्प होता है। यहाँ से निकले जनादेश का संदेश पूरे देश में जाता है। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती दोबारा सत्ता में वापसी की है। केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली वालों से इमोशनल अपील भी कर दी। हम भी बीजेपी वालों के बीच में डोर टू डोर जाके कहेंगे कि 70 साल में पहली बार आपके बच्चों के स्कूल ठीक हुए हैं, 70 साल में पहली बार आपके परिवार के लिए अस्पताल ठीक हुए हैं। इसको रुकने मत देना, इसको रोक मत देना, इसको जो ठीक हुआ है। तो हम उनको यही कहेंगे, आप जिस मर्जी पार्टी से हो, आप बीजेपी से हो, आप कांग्रेस से हो, इस बार अपनी पार्टी को वोट मत देना। इस बार दिल्ली के लिए वोट देना, इस बार देश के लिए वोट देना, इस बार अपने बच्चों के और अपने परिवार के विकास के लिए वोट देना। वहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली से उम्मीदें हैं। हाल ही में अनधिकृत कॉलोनियों को मोदी सरकार ने पक्का किया है, जिसे बीजेपी भुनाना चाहती है। अभी आपका वक्त समाप्त हो गया और एक नई शुरुआत दिल्ली में हो रही है, और अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप फेल हो गए हैं और इसलिए जनता की आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही मैं कहूंगा, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जीत। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को खत्म हो रहा है और उससे 11 दिन पहले ही दिल्ली को मिल जाएगी नई सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों के लिए नाक की लड़ाई है। बीजेपी के लिए इज्जत का सवाल है तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने का, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी 21 साल बाद सिंहासन पर काबिज होने की, तो केजरीवाल की हैट्रिक बनाने की। दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। में चलेगा मोदी मैजिक, या लौटेंगे केजरीवाल। दिल्ली में खत्म होगा बीजेपी का 21 साल का सियासी वनवास। एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है और दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। क्या दिल्ली में कांग्रेस बनेगी जीरो से हीरो, क्या शून्य से शिखर तक
पहुंचेगी कांग्रेस। दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी जंग के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल का चलेगा झाड़ू या दिल्ली से आप साफ। शायद ये भी पहली बार हो रहा है कि अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। दिल्ली के चुनावी रण में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि 21 साल से बीजेपी को दिल्ली में कुर्सी नसीब नहीं हुई है और अभी भी दिल्ली में सीएम पद के लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास कई दावेदार हैं, लेकिन केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर कब्जा जमाया था तो नगर निगम चुनाव में भी परचम फहराया था। यही बात केजरीवाल को परेशान कर रही है। साथ ही केजरीवाल के पुराने साथी भी इस बार पार्टी में नहीं है, तो वहीं बीजेपी के लिए नागरिकता कानून और NRC बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से वोट खिसकने का डर है। दिल्ली को तो वो चाहिए जो 60 महीने उसकी कदर करे और उसका ख्याल रखे। लेकिन केजरीवाल सरकार का तो दावा है कि बिजली फ्री उन्होंने कर दी, पानी फ्री उन्होंने कर दिया, हेल्थ के काम में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, गरीबों का फ्री इलाज वहाँ पर हो रहा है और एजुकेशन का तो माहौल ही पूरा चेंज कर दिया, इस तरह का दावा है। तो जब फ्री ही था तो फिर बिल कैसे आया? अभी 2 दिन पहले हम स्वयं ही पीसी में बैठे ना, सारे बिल लेकर के 70 यूनिट का बिल 250 के। लोगों ने देख भी लिया है कि केंद्र सरकार को उन्होंने जो जिम्मेदारी थी दी थी लॉ एंड ऑर्डर की, अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सब देख रहे हैं, महिला के ऊपर होने वाले अत्याचार से लेके और सड़कों पे होने वाले लठमारी तक सब देख रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने एक और जिम्मेदारी दी थी दिल्ली के लोगों ने, नगर निगम को, कि भाई हमारा कूड़ा करकट साफ कर देना, गलियां साफ कर देना। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि 2015 चुनाव में कांग्रेस के ज्यादातर वोट पर केजरीवाल ने झाड़ू चला दी थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पड़ोसी राज्य हरियाणा में सुधरी है। उसने झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए रणनीति बनाई थी, जिसमें उसे कामयाबी हासिल हुई। इससे कांग्रेस के समर्थकों के हौसले बुलंद है। कांग्रेस का बढ़ना आम आदमी पार्टी के लिए खतरा है। बीजेपी भी अंदरखानी यही चाहती है कि कांग्रेस बढ़े, जिससे केजरीवाल कमजोर हो और उसे फायदा मिले। ऐसा वादा था, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया था, दिल्ली के अंदर मेट्रो, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये किसकी देन थी? दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से बचाया, CNG लाए तो कौन लाए? दिल्ली को ग्रीन सिटी ऑफ द कंट्री बनाया, वी वेंट अप टू 20.3% इन ग्रीनरी, तो ये कांग्रेस सरकार थी। इस बार दिल्ली में बड़े मुद्दे हैं जो सिंहासन का रास्ता तय करेंगे। NRC और CA जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में छाए रहेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना भी एक मुद्दा है। इसके साथ ही सीलिंग अभियान, अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन, दिल्ली वालों को साफ पानी, सस्ती बिजली देना भी बड़ा मुद्दा है। वहीं दिल्ली में रोजाना बढ़ता पॉल्यूशन, यमुना नदी की सफाई, ट्रैफिक जाम और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे भी अभी भी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। केजरीवाल के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड के फॉर्मूले से बीजेपी को मात देने का भी प्लान बना सकती है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, दिल्ली की जनता कैसे अपना CM चुनेगी, इसका फैसला 11 फरवरी को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस चुनाव के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि 21 साल बाद सही, लेकिन जो वनवास दिल्ली की सत्ता से है वो खत्म हो जाए। वहीं कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उससे एक सीट भी हासिल नहीं हो पाई थी। वक्त आप ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर पैसे बाहर। हमारे साथ है दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या दिल्ली की जनता आपका मुंह मीठा कराएगी, क्या तैयारी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता पे, और हमको विश्वास है जो दिल्ली को 5 साल में जो
अभिशाप के रूप में एक सरकार मिली है जिसने पानी पे रुलाया, हवा पे रुलाया, ट्रांसपोर्ट पे रुलाया, स्कूलों के नए स्कूल के निर्माण पे रुलाया, नए कॉलेज नहीं दिए, दिल्ली के बच्चों के चेहरे पे मास्क दे दिया, अस्पताल बंद होने शुरू हो गए और सिर्फ झूठ और झूठ के बाद 3 महीने की एक लालच की सरकार बनाने की, चलाने की उन्होंने कोशिश की। तो लालच की सरकार अब दिल्ली को नहीं लुभा सकती। दिल्ली को तो वो चाहिए जो 60 महीने उसकी कदर करे और उसका ख्याल रखे। लेकिन केजरीवाल सरकार का तो दावा है कि बिजली फ्री उन्होंने कर दी, पानी फ्री उन्होंने कर दिया, हेल्थ के काम में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, गरीबों का फ्री इलाज वहां पर हो रहा है और एजुकेशन का तो माहौल ही पूरा चेंज कर दिया, इस तरह का दावा है। तो जब फ्री ही था तो फिर बिल कैसे आया? अभी 2 दिन पहले हम स्वयं ही पीसी में बैठे ना, सारे बिल लेकर के 70 यूनिट का बिल, 250, 3 यूनिट का तक का बिल आ गया, 130 का यूनिट का बिल आ गया। तो भैया बिजली का कोई योजना का नाम तो दिया नहीं, तो ये इसका नाम प्रलोभन योजना है, धोखा योजना है। अब धोखा योजना प्रयोजन योजना नहीं चाहिए। जो दिल्ली के 70 लाख लोगों को जो आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपया फ्री इलाज से जो पूरे देश को मोदी जी दे रहे हैं, जिससे महरूम रखा है, अब उसको लेने की बारी आ गई है। अब दिल्ली को अपने यमुना जी को एक ऐसी यमुना जहां रिवर फ्रंट बना हो, जिस यमुना जी पर गाड़ी में बैठ करके हमारा युवा, हमारा कोई माता पिता अपने बच्चे को लेकर साइकिल उतार के वहां घुमाएंगे, उस दिल्ली के लिए इस बार वोट देंगे लोग। यह है मनोज तिवारी जो साफ तौर पर कह रहा है कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कौन हिंसा फैला रहा है, कौन सीए का विरोध कर रहा है और किसने। माता पिता अपने बच्चे को लेकर साइकिल उतार के वहां घुमाएंगे, उस दिल्ली के लिए इस बार वोट देंगे लोग। यह है मनोज तिवारी जो साफ तौर पर कह रहा है कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कौन हिंसा फैला रहा है, कौन सीए का विरोध कर रहा है और किसने काम किया है। कैमरामैन शरद के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वक्त पर रिकॉर्ड ब्रेक। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब दिल्ली की जनता किसे सरताज बनाएगी वो 11 फरवरी को पता चल जाएगा। इस बीच हमने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आखिरी जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया वो ये कि ये चुनाव काम पे लड़ा जाएगा, काम पे होगा चुनाव। तो होम मिनिस्टर भी तो यही कह रहे हैं अमित शाह, 370 राम मंदिर, सीए, ये तमाम मुद्दे वो भी गिनवा रहे। नहीं, लोगों के काम, लोगों की जिंदगी में इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है दिल्ली में कि एक सरकार पिछले 5 साल से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बिजली के बिल जीरो कर दिए, उनके घर पीने का पानी पहुंचा दिया, उनके बच्चे जो स्कूल में जाते थे अगर गवर्नमेंट में जाते थे तो गवर्नमेंट स्कूल अब प्राइवेट जैसे हो गए, अगर प्राइवेट में जाते थे तो पिछले 5 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी। लोग इन चीजों को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि तीर्थ यात्रा होने लगी बुजुर्गों की, लोग देख रहे हैं कि ईमानदारी से सर्टिफिकेट मिलने लगे, घर बैठे सर्टिफिकेट मिलने लगे। अब तो मनीष जी, ये जो चुनाव होगा वो केंद्र के मुद्दों पे क्यों नहीं होगा, नेशनल लेवल पे क्यों नहीं होगा, दिल्ली के चुनाव पे, दिल्ली के लेवल पे? राज्य सरकार चुन रहे हैं और राज्य के मुद्दे हैं ये। ये देश के हर एक राज्य के मुद्दे हैं, दिल्ली के भी मुद्दे हैं और दिल्ली के लोगों ने देख भी लिया है कि केंद्र सरकार को उन्होंने जो जिम्मेदारी दी थी लॉ एंड ऑर्डर की, अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सब देख रहे हैं, महिला के ऊपर होने वाले अत्याचार से लेके और सड़कों पे होने वाले लठमारी तक सब देख रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने एक और जिम्मेदारी दी थी दिल्ली के लोगों ने, नगर निगम को, कि भाई हमारा कूड़ा करकट साफ कर देना, गलियां साफ कर देना, वहां भी बीजेपी बुरी तरह फेल हो गई है। तो इन दोनों चीजों को लोग देख रहे हैं। अच्छा, नेशनल इश्यूज पे आप लोगों को थोड़ा वो भी लगता है क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2019 में जो आपको वोट पड़ा वो 19% था करीब, और 2015 में जब विधानसभा चुनाव पड़ा वो 54% था, तो नेशनल इश्यूज से थोड़ा डर भी है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है शिक्षा भी नेशनल इशू है। शिक्षा नेशनल इशू कैसे नहीं है? राष्ट्र का निर्माण आप बिना शिक्षा के कर ही नहीं सकते। लोग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, लोगों के घर में आप बिजली नहीं रहेगी, तो आप कैसा डिजिटल इंडिया खड़ा करोगे? डिजिटल इंडिया के लिए तो बिजली 24 घंटे चाहिए। तो आप, ये नेशनल इशूज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब नेशनल इशूज हैं। अच्छा, दो सवाल और पूछ लेता हूँ। एक तो आपके जो दिल्ली के लोग हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा?
मैनिफेस्टो लाएंगे अब आपके अब डेट शीट आ गई है, अब डेट शीट में एक डेट मैनिफेस्टो के लिए भी करेंगे, हफ्ते भर में आ जाना चाहिए। अच्छा, आपकी विधायक के लिए भी सवाल है कि विधायकों के टिकट कब तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि परेशानी सब सोच रहे हैं कि किनका टिकट कटे किनका ना कटे। नॉमिनेशन फाइल होने से पहले पहले सबके टिकट डिक्लेयर, सारी सीटों के टिकट डिक्लेयर करेंगे और तभी क्लियर होगा कि किसके टिकट नहीं कटेंगे या कौन सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। अच्छा, इस बार आपने रणनीति बदली है क्या? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 में आप ये कहते थे कि हम जल्दी टिकट इसलिए दे देते हैं ताकि जनता भी देख ले कि जिसे हमने टिकट दिया है उनका रिकॉर्ड एरिया में कैसा है। अब रणनीति क्या है वो तो आप देख ही रहे हो, किस लिए बदली है क्या है, लेकिन हम पूरी तरह से काम पे फोकस कर रहे हैं। सरकार ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा आज दिल्ली के घर घर में इसलिए लोग कह रहे हैं हाँ जी ये आदमी है जिसने हमारी जिंदगी में बदलाव लाया, ये आदमी है जो हमारे लिए काम कर रहा है, तो लोग उस पर वोट करेंगे। अब रणनीति तो जो भी हो उससे रणनीति से क्या फर्क पड़ता है। सीटें कितनी उम्मीद कर रहे हैं? अब की बार 67 पार। चलिए, नारा भी है इनका अब की बार 67 पार के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। वाह, क्या रिकॉर्ड ब्रेक का।